नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मैं बताऊंगा अपने कि कैसे ओसीडी आईबीएस ने मेरी लाइफ को प्रभाव किया, कैसे मैं एक बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा था पर इन बीमारियों ने कैसे मेरी लाइफ अफेक्ट करी, और कैसे जो समाज है उनको लगता है कि अरे ये कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारे दिमाग का वहम है, पर ये कैसी कितनी बड़ी बीमारी है। तो मैं अगर शुरू से शुरू करूँ तो मेरे फादर इंडियन नेवी में थे, कमांडर रिटायर हुए इंडियन नेवी से, ग्रेड ए ऑफिसर, और मैं भी अलग अलग जगहों पे पढ़ा हूँ, गोवा, मुंबई। मेरा जन्म, अगर आप जन्म स्थान जानोगे तो आप थोड़े शॉक्ड हो जाओगे, मेरा जन्म हुआ था अंडमान निकोबार, जो आइलैंड है, पोर्ट ब्लेयर में। तब मेरे जो पिताजी है उनका उधर पोस्टिंग उनकी उधर हुई थी, तो फिर दिल्ली, मुंबई, गोवा, यहाँ पे मैं पढ़ा, ठीक है, मैंने अपनी स्कूलिंग वगैरह करी। मैं अच्छा स्टूडेंट था, मेरे 10th में भी 90% आए, 12th में भी, PCM में 91% आए, CBSE का स्टूडेंट हूँ मैं पढ़ाई वगैरह में अच्छा था। तब मेरा ये होता था कि मैं ओवर थिंकिंग करता था, और कई बार मुझे पता है कि मैं खुद ही नेगेटिव सोच सोच के रोने भी लग जाता था अकेला बैठ के, तो ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम थी, पर वो मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अड़चन नहीं ला रही थी, मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा था, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही थी। मैंने 12th पास करी, मैं दोस्तों में अच्छी तरह से क्रिकेट वगैरह खेलता था, फुटबॉल खेलता था, ज़्यादा मुझको अगर ओवर थिंकिंग हो जाती थी तो मैं फुटबॉल खेलने चले जाता था, क्रिकेट खेलने चले जाता था, वापस आता था, रिफ्रेश हो जाता था। मतलब ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम थी पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल चिपकी नहीं रहती थी मुझे, और मुझे काफ़ी सपोर्ट सिस्टम भी था, दोस्त थे, घर वाले थे। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने चले गया, ठीक है, इंजीनियरिंग मैंने करी पुणे यूनिवर्सिटी से, तो इंजीनियरिंग मैंने करी। तो इंजीनियरिंग में क्या है कि फर्स्ट ईयर गया, हॉस्टल में रहा मैं, तो मैं थोड़ा दूर हुआ फैमिली से, फैमिली के काफ़ी करीब था मैं, फैमिली से दूर हुआ, और मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही सिंपल लड़का हूँ, मुझे पता है कि लोग बोलेंगे खुद से ही सिंपल अपने आप को बोल रहा है, बट हाँ मैं थोड़ा सिंपल हूँ, शोशा और मतलब लग्जरी वगैरह चीज़ें, जैसे मैं अभी, मेरे पास कार वगैरह कुछ नहीं है, मुझको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही पसंद है, और मुझे मतलब सादा जीवन, उच्च विचार तो मैं बोलूँगा कि पता नहीं मेरे उच्च विचार है कि नहीं, हाँ पर मुझे सादा जीवन तो पसंद है। तो मैं तब वहाँ पे सादा जीवन जी रहा था, तो पुणे में हॉस्टल में, तो वहाँ पे जो लोग हैं थोड़ा, वहाँ पे अमीरों के लोग या जो बिजनेसमैन वगैरह के लोग, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो उनसे मुझे थोड़ा मतलब कि उनसे मेरे मतभेद हुए, और उनसे मतलब मेरी इतनी जमी नहीं, उनको भी लगा कि अरे इतना सिंपल सा लड़का है और वैसा है। तो उसके बाद तो वहाँ पे मैं थोड़ा अकेलापन मुझे आया, मैं थोड़ा अकेला रहने लगा, और उसके फिर उसी के उपरांत जब मैं 17 साल का था, तब मुझे याद है कि हम लोग बैठे हुए थे सारे दोस्त, और अचानक से मुझे एक विचार आया, और वो विचार फिर गया ही नहीं, ठीक है, वो विचार ओसीडी का विचार था, उसमें काफ़ी थीम्स थी, हार्म, सेक्सुअल, काफ़ी मिली हुई ऐसे थीम्स थी, और वो मुझे चेकिंग भी थी, तो मुझे तीनों के विचार एक साथ ही घुल मिल के आए, और वो शाम तो मुझे याद है कि मैं पागल हो गया था, मैं शीशे के सामने अपने आप को देख के बोल रहा हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये विचार क्यों नहीं जा रहा है, मैं अभी भी इसको सोच रहा हूँ तो फिर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो रात बहुत ही ख़राब थी, सितंबर की रात थी, सितंबर 7 सितंबर था वो, अभी भी सितंबर चल रहा है, काफ़ी तकलीफों की वो रात थी, और फिर मेरा वो विचार, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं मेरे से वो विचार जा ही नहीं रहा, मेरी इंजीनियरिंग ख़राब हुई, मैं पढ़ ही नहीं पाता था, फेल हुआ मैं कई सारे सब्जेक्टों में, पर तो भी मैंने 4 साल में इंजीनियरिंग पूरी कर ली थी, काफ़ी तकलीफ में रहा। मैं इंजीनियरिंग करी तो मैं घर गया, मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई, मैं घर गया तो मैंने घर वालों को बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे, तो मेरे घर वाले बोल रहे कि पता नहीं क्या हो रहा है, इससे कुछ पढ़ाई हुई नहीं, इतने ख़राब मार्क्स आए और अभी यहाँ पे रो रहा है बैठ के। पर वो धीरे धीरे करके 1-2 महीने बाद वो समझे, मैं घर पे ही था, बैठा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था, फिर वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर जो है वो नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए, जब मैं नॉर्मल डॉक्टर के पास अपनी सारी बातें बताई तो डॉक्टर तो शॉक में आ गया, मैं नेवी के हॉस्पिटल में गया था तो नॉर्मल जनरल जो फिजिशियन होते हैं उनके पास गया, वो डॉक्टर जो लेडी थी मेरे फादर को जानती थी, वो उनको जब मैंने बताए अपने विचार, वो तो पागल, वो तो बिल्कुल तकलीफ में आ गई, वो तो बिल्कुल डर गई कि क्या हो रहा है इस बच्चे को। फिर वो साइकियाट्रिस्ट के पास मुझे लेके गए, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए,
तो क्या है कि मैं उन्होंने शुरू किया, उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुनी, पर उन्होंने मैं मतलब मैं शुक्र गुजार हूँ, मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे दवाई दी, SSRI मेडिसिन पे मुझे वो डाला उन्होंने और मेरा थोड़ा दिमाग काबू में आया। बट वही है कि उन्होंने मुझे कोई थेरेपी नहीं दी, काउंसलिंग नहीं दी, मुझे समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है मुझसे। इंट्रूसिव थॉट्स, ये जो शब्द है ये भी नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने बस तुम्हें बोला कि तुम्हें OCD है, ये दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। मैं दवाई खाई, दवाई खाता रहा तो ठीक रहा। मैंने MBA का एंट्रेंस एग्जाम दिया, मुझे MBA के एंट्रेंस एग्जाम में 99.72% आए। मैं अच्छे कॉलेज से मैंने MBA किया, MBA मार्केटिंग करी, सब कुछ सही चला। पर तो भी मुझे लगता था जैसे एक तो ब्रेन फॉग है वो एक इशू था, साथ में IBS डेवलप हो गया मुझे MBA के टाइम पे। कुछ खाओ टॉयलेट आ जाए, ट्रेन पकड़नी है कुछ खा लिया टॉयलेट आ गया, ट्रेन नहीं पकड़ रहा, कहीं जाना है पेट खराब है, मुझे IBS डायरिया हुआ, तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मुझे ये लगा कि पता नहीं क्या हो गया, इतना तेज दर्द होता था कि लगता था कि पथरी हो गई, तो पथरी का इलाज कराने लग गए। डॉक्टर को भी लगा कि अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, ये वो करा रहे हैं। सरकारी अस्पताल था नेवी का, तो चलो एडमिट हो जाते थे, पैसे नहीं लगते थे। बट ये भी एक गलत हुआ ना कि चलो फ्री में इलाज चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि कुछ भी करा लो, सही करो। नेवी के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं मैं मानता हूँ, बट ये जो चीज़ें हैं वो सबके साथ होती है। IBS पेशेंट्स जो हम लोग अनलक्की है, अनफॉर्चुनेट है कि वह बीमारी ऐसी है कि नहीं समझ में आता, नहीं पकड़ी जाती वो। तो मतलब IBS ने और ज़िंदगी ख़राब करी, पर हाँ SSRI मेडिसिन से मेरी ज़िंदगी ठीक चल रही थी। फिर क्या हुआ कि क्या होता है कि नेवी में एक रूल है कि 25 साल के बाद आपको फ्री मेडिसिन मिलना बंद हो जाता है। अगर आप लड़की हैं और आपने किसी नेवी वाले से या आर्मी वाले से शादी कर ली, तो आप उनके उस लड़के के आप वो मतलब आप ये हो जाओगे, डिपेंडेंट हो जाओगे, तो आपको आप इलाज करा सकते हो। पर कोई अगर कोई नेवी वाले अफसर का या सेलर का लड़का है और उसको वो 25 साल का हो गया, तो 25 साल के बाद उसको दवाई देना बंद हो जाती है। तो मुझको 25 साल के बाद दवाई देना बंद हो गई। मैं तो गया भी था बोर्ड के सामने अकेला कि मैं बहुत ही हैंडीकैप्ड हूँ, ये दवाई नहीं मिलेगी तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो वो मुझे बोलते देख के, अबे तू तो इतना हट्टा कट्टा आदमी है 6 फुट का, तुझे तू कहाँ से बीमार है। बीमार तो वो है जो चल नहीं पाता है, जो वो कुछ बोल नहीं पाता है। तू तो आराम से बोल रहा है, अकेला आया है तू हमारे पास कि भाई मेरे को हैंडीकैप घोषित करो। मैंने ये स्टंट भी किया हुआ है, पर तभी मैं बोलता, तभी मैं समझता हूँ कि हमारी जो देश में जो लोग जिनके मतलब जो दिखने में हैंडीकैप है, बस उन्हीं को हैंडीकैप माना जाता है। उसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं वो बहुत तकलीफ में है। इसी वो ये चीज़ भी मैं अपने वीडियोस में बार बार बात करता हूँ। तो फिर मैंने MBA तो मेरा हो गया था, मुझे नौकरी भी लग गई थी भगवान के उससे, तो मैंने नौकरी भी करी। बट दवाई मेरी छूट गई थी क्योंकि नेवी का वो अस्पताल मुझे दवाई देना बंद हो गया। मैंने मुझे लगा कि अरे 7-8 साल से मैं सही चल रहा हूँ, कंट्रोल में आ गया, उसके बाद मैंने दवाई लेना बंद कर दिया। तो 6-8 महीने तक तो सही चला, और 6-8 महीने के बाद मैंने जॉब भी चेंज करी, थोड़ी अपनी स्ट्रेस वाली जॉब ली। जैसे ही स्ट्रेस वाली जॉब ली, मेरा तो पागल हो गया, मेरे को इतने विचार आ रहे, पेट खराब रह रहा है। पेट का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, ये तो मुझे पता था कि हाँ OCD है। मैं डॉक्टर के पास गया, गुड़गांव में था तब, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर तो मुझे और ही हिप्नोसिस वगैरह करवा रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, इतना दवाई लग रही है। दवाई भी उन्होंने SSRI की जगह कुछ और मुझे दी थी, तो उससे मैं तकलीफ़ में रहा। फिर मेरा ऐसा ही चलता रहा ऑन एंड ऑफ। फिर मैंने UPSC के लिए ब्रेक लिया, तब मैंने मेडिटेशन वगैरह शुरू किया, तो मेरा IBS और OCD काफ़ी ठीक हुआ। मेडिटेशन जो है, मैं हेडस्पेस करके एक ऐप है उसको यूज़ करके करता था। वो मैं बोलूँगा कि हाँ, हेडस्पेस का मैंने वो ले लिया था प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, 800-900 रुपये था उस टाइम पे, एक साल का। तो मैंने लिया, मैं मेडिटेशन करता था सुबह शाम और UPSC की तैयारी करता था। अच्छी रही मेरी UPSC की तैयारी, 15-15 घंटे पढ़ पाता था मैं। तभी मैं वहाँ पे फिर चंडीगढ़ में एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी गया। उस साइकियाट्रिस्ट को मैं ये बोलूँगा कि उसने दवाई बिल्कुल सही दी, दवाई ने असर किया। और जैसे मुझे दवाई से नींद वगैरह आती थी, तो उन्होंने साथ में Omega-3 के कैप्सूल्स दिए थे जिससे नींद नहीं आती थी, ठीक है। तो मैं SSRI मेडिसिन खाता था, सर्ट्रलिन खाता था मैं, और साथ में मैं Omega-3 के कैप्सूल खाता था। उससे मेरी ज़िंदगी रेल पटरी सही आई। मैं पढ़ाई करी UPSC की, पर मेरा UPSC नहीं हुआ। फिर मैं वापस कॉरपोरेट में आया, कॉरपोरेट में मैं कर रहा था
उसके बाद मैं मतलब एक रिलेशनशिप में आया, रिलेशनशिप सही चल रहा था मेरा, बट वो उसके बाद जब रिलेशनशिप टूटा, बाकी बहुत स्ट्रेस आया, बहुत साथ में ओसीडी भी बढ़ा, तो ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल टूट गया था, सच बताऊँ तो टूट गया था। और फिर मैंने अपने आप को धीरे धीरे संभाला किताबें पढ़ के, मैंने डिफरेंट डिफरेंट किताबें पढ़ी, अपने आप को समझा, अपने मन को समझा। पहले तो मैंने नॉर्मली अपने मन को समझा, जैसे जैसे मैं किताबें पढ़ने लगा, मोटिवेशन की वीडियो सुनने लगा, अपने आप को ठीक करने लगा, पहले मैंने स्टेप अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। जैसे मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, वैसे करने लगा, तो मुझको ना फिर मैंने व्हाट इज ओसीडी वगैरह यूट्यूब पे सर्च करने लगा, फिर धीरे धीरे करके मुझे सेमिनार्स वगैरह खुद से आने लग गए, मैंने सेमिनार्स पढ़ा, तब मुझे एक्ट थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के बारे में पता चला, जो बताती थी कि तुम तुम्हारे विचार नहीं हो, तुम बैठ के कुछ भी सोचते रहो वो तुम वो नहीं बनोगे, तुम और तुम्हारे विचारों से तुम अपनी आइडेंटिटी मत जोड़ो। मैं तो ये सोचता था कि मुझे ये विचार आ गया मतलब कि मैं ये बन गया, ऐसा नहीं है। ये विचार आया तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तुम चाहो तो कुछ भी सोचो, तुम सोचो ये हाथ में लो और सोचो कि ये मैं इसको फेंक दूंगा, पर तुम नहीं फेंकोगे, क्योंकि तुम ये विचार नहीं हो, तुम अवेयरनेस हो। मैं अवेयर हूं कि हाँ भाई मेरे हाथ में ये है, मुझे फेंकना नहीं है, मुझे बस सोचना है। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, जो मेडिटेशन में करता था 2018 में, पर फंडा नहीं समझता था ये सारी चीजें, वो मैं समझा। जो सीखने के तरीके होते हैं, दो होते हैं, थियोरेटिकल और एक्सपीरियंशियल। एक तो एक्सपीरियंस करके, एक सिर्फ तुमने पढ़ लिया थियोरी, एक तुमने प्रैक्टिस किया। तो मैंने वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करता था, बट वो क्या होता था कि वो विदाउट थ्योरी के मैं प्रैक्टिस करता था। थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन आप करो पर आप ये समझो कि अरे भाई ये थॉट जो आ रहा है वो तुम नहीं हो, वो नॉलेज भी जरूरी है। फिर मैं धीरे धीरे करके मैं समझा, मैंने एक्ट थेरेपी खुद से देखा, खुद से प्रैक्टिस किया, खुद से ईआरपी थेरेपी किया, और मैंने ओसीडी मैनेज कर ली। जिस दिन मैंने ओसीडी मैनेज करी थी, मैं इतना खुश था, इतना पावरफुल, इतना कॉन्फिडेंट फील किया कि यस मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तुम भी, आई एम श्योर तुमको भी ये फीलिंग आएगी एक दिन, पक्का आएगी, विश्वास रखो। तो उसके बाद फिर मैं बैठा, तब तो मैं ये समझा कि मतलब दिल दुखता है पर टूटता नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटता नहीं है। उम्मीद पकड़ के रखोगे, पेशेंस रखोगे, करेज रखोगे, तो सफलता आएगी, बस एफर्ट मारते रहो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे मेरा ओसीडी ठीक हुआ, 5-6 महीने में ही मैंने ये चैनल शुरू कर दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी जो जर्नी है वो दूसरे लोग ना उसमें सहे। तो वो मैंने समझाया लोगों को। और जैसे फिर मैं ओसीडी ठीक किया, मैंने आईपीएस के बारे में समझा, पर आईपीएस के बारे में मैंने नॉलेज करी, पर नॉलेज मैंने ले ली पूरी, पर तो भी मैंने डॉक्टर के पास गया, एक आईबीएस स्पेशलिस्ट था मोहाली में है, उनके पास मैं गया, मैंने अपने आप को दिखाया पूरा, एंड उन्होंने फिर मुझे बताया कि हाँ तुम, मैंने बोला कि मैं ये सब कर रहा हूँ, उन्होंने बोला सही ट्रैक है तुम्हारा, ये वो है। वो तो बोलते कि अरे तुमको ये सब भी करना है, शराब वराब पीनी है तो शराब भी पी लो। मैं बोला नहीं, मैं नहीं पीता हूँ, बट वो थोड़े ऐसे जॉली नेचर के थे, पंजाबी थे, बट मैंने बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल फॉलो किया, ईटिंग का, वॉकिंग का। मैंने क्या किया, मैंने हैवी एक्सरसाइज करता था पहले, हैवी एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, और रनिंग भी मैं करता था, रनिंग भी मैंने बंद कर दी, और मैं वॉकिंग बेसिकली काफ़ी वॉकिंग करता हूँ, कम से कम ऑन एन एवरेज, काफ़ी तो नहीं बोलेंगे लोग, 10-10, 12-12 हज़ार चल लेते हैं, पर मैं 6-7 हज़ार स्टेप्स तो चलता ही हूँ दिन के। तो वो सब मैंने किया, मुझे काफ़ी उस आईबीएस भी कंट्रोल में हुआ, नहीं तो आईपीएस में इतना पेट दर्द होता था, रात को नींद नहीं आती थी, वो सब कंट्रोल करी चीज़ें, ओसीडी कंट्रोल किया, और बहुत कॉन्फिडेंस फील किया। ये सारी चीज़ें जब मेरे कंट्रोल में आई, तो मुझे अंदर से एक खुशी हुई, एक सेटिस्फैक्शन मिली, जो असली में बहुत ही अच्छा लगता है, और तुमको भी, आई होप तुमको भी ये मिले। तो इसके लिए तुम इस पाथ पे तुम लगे रहो, निकलो मत इस पाथ से, मेहनत करते रहो। जितना मीठा डालोगे, जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करोगे, जितनी नॉलेज लोगे उतनी जल्दी तुम्हारा सही होगा। डॉक्टर की भी मदद लो, जैसे मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक सफरर हूँ, जो अपने आप को जाना, उसने लड़ना नहीं छोड़ा, ही केप्ट फाइटिंग, और वो जीत के बाहर आया।
तो तुम भी जीत के बाहर आ सकते हो, ठीक है, जरूर आओगे। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको मेरी जो कहानी है उससे कॉन्फिडेंस, उससे मोटिवेशन मिला होगा। ये मैं कहानी आपको मोटिवेशन देने के लिए ही दे रहा हूँ, एंड आप कुछ सीखे। आप मेरे और मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, जो एक्ट थेरेपी है, ERP, काफ़ी डॉक्टर के पास तो ज़रूर जाए पर नॉलेज आप ले सकते हैं मेरे चैनल से। तो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।